सो हाय एवरीवन, दिस इज योर फेजी फ्रिक एंड मेरे साथ में है मिस्टर ओमकार, ओनर ऑफ ऑटो विंग इंडिया चैनल। अब हम लोग बैठे हैं टाटा पंच में, रिव्यूज आपने ढेर सारे देख ही लिए होंगे इस गाड़ी के, लेकिन इस वीडियो में आप लोग जानेंगे पॉजिटिव्स एंड निगेटिव जो कि आपको टाटा पंच में देखने को मिलते हैं। अब एज अ ओनर आपको खूबियां एंड खामियां कोई भी गाड़ी की मालूम रहना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, बहुत मदद आपकी डेफिनेटली ये करेगा। तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे वो ओमकार आपको बता देंगे और जो निगेटिव पॉइंट मुझे लगे इस गाड़ी में मैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के ऊपर से। इस गाड़ी की जो बेस मॉडल की प्राइसिंग है ना, वो कुछ इस तरह से मैनेज की है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल बन जाती है। 6 लाख 6.25 लाख के आसपास ये गाड़ी जो ये ऑन रोड जाती है। जो पंच का प्योर मॉडल है, जो बेस मॉडल है, वो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल बन जाता है, तो ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी। इसी में निगेटिव मुझे ये लगी, ठीक है बेस वेरिएंट आपको मिल रहा है 6.25 लाख का, लेकिन वो वेरिएंट मिल किसको रहा है? कंपनी लॉन्च करते समय तो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग काफी हाईलाइट करके बताती है, लेकिन जब बेस वेरिएंट लेने को जाओ तो 6 महीने और 7 महीने की वेटिंग पीरियड। टॉप एंड वेरिएंट कंपनी दे रही है, लेकिन वो कॉस्ट कर रहा है आपको तकरीबन 9.5 लाख रुपए। उससे बेहतर तो मैं अल्ट्रोज ले लूं या फिर नेक्सॉन का XM वेरिएंट ले लूं। तो जो टॉप एंड वेरिएंट है इस गाड़ी का क्रिएटिव, वो थोड़ा मुझे ओवर प्राइस लगता है, और बेस वेरिएंट तो भाई मिल ही नहीं रहा। हालांकि सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बेस प्योर वेरिएंट ही है। ये चीज तो ठीक है भाई, बट इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी भी है ना, वो बहुत ज्यादा तगड़ी है भाई। इनकैप के अंदर इसने जो ये 5 स्टार रेट किया है, तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो एब्सोल्युटली काफी ज्यादा तगड़ी है। अग्री विद द पॉइंट, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन साथ ही में क्वालिटी या फिर फिट एंड फिनिश की बात करूं ना, तो वहां पर ये गाड़ी काफी पीछे डेफिनेटली लगती है। इंटीरियर क्वालिटी भी काफी अच्छी आपको डेफिनेटली मिलेगी, नो डाउट, लेकिन फिट एंड फिनिश एंड पैनल गैप्स आपको इंटीरियर में भी नजर आएंगे और एक्सटीरियर में भी। डोर पैनल्स आप देख लीजिए, शट लाइंस देख लीजिए बाहर से, तो वहां पर गैप जो है ना वो काफी बड़े बड़े नजर आते हैं। साथ ही में इंटीरियर में भी आपको यहाँ पर फिट एंड फिनिश के काफी ज्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली टाटा इम्प्रूव कर सकती है अब भी। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है इस गाड़ी के एस्थेटिक, इस गाड़ी के लुक। तो अगर आप लुक्स देखें ना, तो इसके अंदर आपको काफी अच्छे लुक्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हैरियर से इंस्पायर्ड गाड़ी है, हेडलैम्प्स आपको काफी अच्छे लुक के अंदर मिल जाते हैं, जो DRLs है वो आपको थोड़ी सी मॉडर्न लुक्स के साथ मिल जाती है, बहुत ही स्लिक डिजाइन है। एंड देन जो साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, वो भी आपको काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो इवन मैं अगर बात करूँ ना, तो जो फ्रंट प्रोफाइल है इस गाड़ी की, वो आपको एक मिनी हैरियर जैसे देखने को मिल जाने वाली है। अग्री टू द पॉइंट, लेकिन अब लुक सब्जेक्टिव होते हैं, तो इसे पॉजिटिव या निगेटिव में हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, बट स्टिल फ्रंट अगर इस गाड़ी का बेहतरीन है, साइड प्रोफाइल भी बेहतरीन है, लेकिन रियर प्रोफाइल इस गाड़ी का मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। एंड 90% लोगों को डेफिनेटली ये लुक्स पसंद नहीं आए होंगे इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के, काफी अजीब सा रियर प्रोफाइल को लुक्स दिया है टाटा ने, तो वहां पर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली करनी चाहिए टाटा को। और टाटा की लगभग सारी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आता ही है कि रियर प्रोफाइल उनका कुछ इतना खास लगता नहीं है। अब अगर लुक्स अगर आप पॉजिटिव या निगेटिव में देखें, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इसका फ्रंट प्रोफाइल, लेकिन निगेटिव में इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल डेफिनेटली आएगा। जैसे कि हमने फेस की ये बात भी सुनी, अभी हम आते हैं फोर्थ जो पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी का, उसके ऊपर, जो कि है इस गाड़ी की स्पेस। तो गाड़ी के अंदर आपको काफी अच्छी स्पेस जो यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। जैसे कि यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं, बहुत ही कंफर्टेबली हम दोनों यहाँ पे जो ये बैठ गए हैं, एंड पीछे भी 3 लोगों के लिए इसके अंदर जो इनफ जगह आपको मिल जाती है। जो बूट स्पेस है वो भी काफी अच्छी खासी है, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं तो आपको लगेज रखने के लिए भी काफी अच्छी जगह मिल जाती है, 5 लोग गाड़ी के अंदर आराम से बैठ जा सकते हैं। तो ये मुझे काफी अच्छी पॉजिटिव चीज लगी इस गाड़ी के बारे में। अग्री टू द पॉइंट, इसी पॉइंट पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है, काफी अच्छी स्पेस आपको गाड़ी में मिल रही है, ऑफ कोर्स नो डाउट, लेकिन सीट कंफर्ट थोड़ा आपको स्टिफ डेफिनेटली लगेगा। अगर आप लॉन्ग जर्नीस के लिए जाते हो ना, तो थोड़ा आपको थकान महसूस होने लगेगी, एंड जो बैक है ना आपका, यहाँ पर लंबार सपोर्ट भी थोड़ा एक्स्ट्रा आपको मिलना चाहिए था, तो थोड़ा पेन आपको हो सकता है अगर आप कंटिन्यू लॉन्ग जर्नी करते हो तो। चाहे पीछे की बात कीजिए या फिर फ्रंट सीट्स की, ओवरऑल स्पेस काफी अच्छी है, लेकिन सीट कुशनिंग थोड़ी हार्ड आपको डेफिनेटली लगेगी। और एक चीज जो कि मुझसे रह गई है, जो कि है इस गाड़ी के डोर्स, 90 डिग्री में डोर्स खुलते हैं, तो आपको अंदर जाने में और बाहर आने में काफी अच्छी जो ये मतलब इजी होने वाली है, बहुत ही इजीली आप अंदर आ सकते हैं बाहर जा सकते हैं। तो बूढ़े लोग अगर आपके फैमिली के अंदर है, तो ये काफी अच्छी चीज बन जाती है। भाई ये बात आपने कही, लेकिन अभी इसका भी मेरे पास में एक नेगेटिव पॉइंट आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये डोर्स को 90 डिग्री खोल देते हैं यहाँ पर, लेकिन अब इसे बंद कैसे करोगे? वो तो है भाई, बंद करने के लिए आपको पूरा स्ट्रेच होना पड़ेगा एंड देन डोर्स बंद करना पड़ेगा। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आप इसे कह सकते हो, लेकिन कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी चीज यहाँ पर टाटा ने ये दी है, मेरे माइंड में क्लिक हुआ इसलिए मैंने बता दिया।
चलो अभी हम आते हैं हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर, जो कि है हमारा लास्ट पॉइंट। तो ये है रिलेटेड टू इंजन। इसके अंदर आपको जो ये 1.2 लीटर का पेट्रोल रिवर्ट्रॉन इंजन मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है, और इससे इस गाड़ी की जो माइलेज है वो काफी अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि कंपनी कुछ तो भी 18-19 का क्लेम करती है, बट आपको ऑन रोड जो ये 16-17 का माइलेज जो है गाड़ी दे देगी। तो पेट्रोल के अंदर ये माइलेज जो ये काफी अच्छा है, और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जैसे कि ये गाड़ी बनाई है, एक एसयूवी गाड़ी है, तो ये माइलेज जो इस गाड़ी के लिए काफी इनफ सा मुझे लग जाता है। अग्री टू द पॉइंट, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवर्ट्रॉन इंजन आपको माइलेज तो जबरदस्त देगा, लेकिन 3 सिलेंडर होने की वजह से रिफाइनमेंट लेवल में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली करना पड़ेगा। साथ ही में इफ यू लव ड्राइविंग तो ये गाड़ी आपके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट 0 to 100 ये गाड़ी लेती है टाइम ऑफ अराउंड 16 सेकेंड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आई नो अब आप इस गाड़ी को लेकर रेसिंग तो करोगे नहीं, लेकिन हाईवे पर आप इस गाड़ी को लेकर जाओगे तो डेफिनेटली ये अंडर पावर आपको लगेगी। सो गाइज, ये थे कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो कि हमको टाटा पंच में देखने को मिले। अगर कुछ पॉइंट्स हमने मिस कर दिए होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस हर गाड़ी की चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। और एक चीज, ये गाड़ी जो है काफी अच्छी फैमिली कार मानी जा सकती है, बट जैसे कि फैज ने बोला कि ये गाड़ी जो है एंथुजियास्ट लोगों के लिए नहीं बनी है, ये गाड़ी जो है जिनको ड्राइविंग पसंद है उनके लिए नहीं बनी है। सो एज अ फैमिली कार आप इस गाड़ी को जो है जरूर से कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ जो ये सुरक्षित रहोगे। और बस यही चीजें थी। और हर गाड़ी के साथ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी गाड़ी के साथ में है। और अगर आप एज अ कस्टमर जाते हो तो आपकी कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन कर दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या थे, तो अकॉर्डिंगली आप इस गाड़ी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है तो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको एक कंफर्टेबल क्रूजर कार चाहिए तो डेफिनेटली आप इस तरफ जा सकते हो। सो होप ये वीडियो देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि टाटा पंच आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। सो अगर आपको कुछ इसी तरह के और भी कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स के वीडियोस देखने हो तो आप नीचे जरूर से कमेंट करके आपको कौन से गाड़ी के ऊपर ऐसा वीडियो चाहिए, और हम उस गाड़ी के ऊपर जो जरूर से बना देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ये वीडियो जो है दोनों के चैनल के ऊपर सेम आने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट हम अपने अपने जो ये पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो जो है शेयर करने वाले हैं आपके साथ। सो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर हमें फॉलो कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले ऐसे अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।